साजन, ए साजन। अरे कौन है यार? साजन कौन है यार? अरे सर, आप सर, सॉरी सर, आप यहाँ कैसे? अच्छा है, मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ही पूछ रहे हो। सर, अगर ये आपका ऑफिस है तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? वैसा है कि मैंने अपने आदमियों को यहाँ से भेजकर तुमको यहाँ पर बुलाया है। तुम्हारे दिमाग में कुछ रहता है कि नहीं? मुझसे जब मिलने आओगे तब तुम्हारी तरफ से मैंने मिनिमम डेकोरम एक्सेप्ट किया था। अपनी तरफ देखो, तुम कितने गंदे हो, अनटाइडी, और ऊपर से जो रम तुमने पी है उसकी बदबू भी आ रही है। सरकारी नौकरी में रम नहीं तो क्या स्कॉच मिलेगी? कुछ भी बोल रहे। अब ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं सर। 11:30 बजे ऑफिस आकर साइन करके तुम गायब हो जाते हो, ऐसी एसपी की रिपोर्ट आई है। तो उसने धोखा दे ही दिया। अगर कुछ झूठ बोलना है तो जोर से बोलो, मुंह में बड़बड़ाओ मत। सर, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का कंप्यूटराइजेशन हो गया है, अब करने के लिए बचा ही क्या है। हर कोई अपना अपना विंडो खोल कर बैठा रहता है, लेकिन मैं तो यही विंडो जानता हूँ। ओके, देन आई एम गोइंग टू शिफ्ट यू। ओह, कहाँ जाना है? ओह, गांधी जी। आदित्यपुरम की हवेली की इतने सालों से जो गर्भगृह बंद पड़ी थी उसे खोला जा रहा है। उसके अंदर कोई खजाना है, ऐसा लोग बोलते हैं। और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग दो हिस्सों में बट गए हैं, और आज वो लोग उस खजाने के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। और इसके ऊपर अपने एक्स एमएलए राजशेखर वर्मा सर, वो भी इसके एक लीगल हिस्सेदार है, और उन्होंने कोर्ट को ये सुझाव दिया है कि सरकार को ये पूरा अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। सर, ऐसे लोगों की यही प्रॉब्लम है, न खुद खाएंगे न खाने देंगे। मुझे धोखा देने वाले भी ऐसे ही लोग हैं सर। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। हमारे पास ये जो भी रिपोर्ट है वो सब नीचे के अधिकारियों को और मीडिया को सब मालूम है, इसलिए वो चोरी भी हो सकती है, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज से उस हवेली में तुम्हारी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। पूरी हवेली ऑन सर्वेलेंस होनी चाहिए। ओके सर, वो खजाना मेरे रहते कोई देख भी नहीं पाएगा, आई प्रॉमिस यू सर। उस फ्रॉड के साथ मिलकर एक डील करनी होगी। खजाने की चोरी करवाऊंगा, फिर उसमें अपना हिस्सा लेकर मजे से जिंदगी जीऊंगा। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। केस के बारे में कुछ बातचीत करनी थी, इसके लिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया है। वकील साहब, अब आप बोलिए। इस केस में सारे लोग एक तरफ हैं और राजशेखर साहब बिल्कुल अकेले दूसरी तरफ हैं। साहब, आप बोलने की जरूरत नहीं है, राजशेखर बोलो। ओके। गर्भगृह के अंदर की सारी वस्तुएं सरकार को मिलनी चाहिए। कोर्ट इस बात का फैसला दोनों पक्षों को अच्छे से सुनकर ही करेगा, और इसके साथ कोर्ट का पक्ष भी सुना जाएगा। और इसके साथ हम लोगों को गर्भगृह की सारी वस्तुओं को बिना हानि पहुंचाए गर्भगृह के अंदर रखनी पड़ेंगी। ऐसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। गर्भगृह के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं इसकी जानकारी अभी तक दोनों पक्ष दे नहीं पाए हैं। दोनों पक्ष जो कुछ भी बता रहे हैं वो बिल्कुल अंदाजन बता रहे हैं, इसीलिए दोनों पक्ष आपसी सहमति के बाद अंदर जाकर के पूरे सामान की जानकारी लें और उसका मूल्य तय करें। ये जानकारी कोर्ट को 1 महीने के अंदर पेश करें। एक आदमी है, A.S. शिवराम, जयपुर का प्राइवेट कंसल्टेंट है, मलयाली है वो। जो लोग ऐसे वस्तुओं का मूल्य तय कर सकें ऐसे क्वालिफाइड बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। मैंने एक दोस्त से उसके बारे में सुना है, और मेरे दोस्त ने ही उसका नाम भी मुझे सजेस्ट किया है। अगर आप लोगों की अनुमति है तो मैं उसे बुला लेता हूँ। हमें जरा सोचना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राजशेखर चाचा ने जैसा कहा है, हम शिवराम से ही उसकी कीमत तय करवाते हैं। बिना कुछ देखे वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। हम लोग तैयार हैं, उसे लाने की तैयारी कीजिए। मैं दामिनी, श्री कृष्ण वर्मा की बेटी हूँ। तुम क्या करती हो बेटी? प्रॉपर्टी डेवलपर, मुंबई में हूँ। और हस्बैंड? अभी तक वो गलती की नहीं है। ओह, ऐसा है तो शिवराम जी का नाम मैं कोर्ट में बता देता हूँ। जरूर बताना, पर मुझे भी सब कुछ बताने के बाद। मैं साजन, इंटेलिजेंस DYSP। वर्मा सर। हाँ। कैसे हैं आप? हम लोगों को मिले काफी वक्त हो गया ना? हाँ। हम लोग पुराने दोस्त हैं। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैं सब जानता हूँ। जब गर्भगृह खोला जाएगा तो मैं भी वहां रहूंगा। हम लोगों ने तो पुलिस की मदद नहीं मांगी, फिर यहाँ आने की वजह क्या है?
ये कैसी बातें कर रहे हो? ये दो बिना बुलाए ही तो आते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? एक है मौत और दूसरी है पुलिस। देखिए, यहाँ रॉबरी होने की संभावना है, ऐसी हमें रिपोर्ट मिली है। डिपार्टमेंट ने प्रिकॉशन लेते हुए मुझे यहाँ पर भेजा है। करोड़ों का खजाना तिजोरी में है और ऐसा मीडिया हाइक आने के बाद हमने काफी जरूरी कदम उठाए हैं और सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। इंडिया की नंबर वन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ब्लू फॉक्स को हम लोगों ने हवेली और गर्भगृह की सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसलिए आपकी सेवा की हमें जरूरत नहीं है। पापा, मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ। पुलिस की तरफ से एक एक्स्ट्रा सर्विलेंस होना हमारे लिए तो अच्छा ही है, अगर वहां से मदद आ रही तो हम उसे ना क्यों बोलें? राजशेखर, तुम क्या कहते हो? हाँ, चलेगा। ओके मिस्टर साजन, आपका काम चलने दो, वी विल कोऑपरेट। ओके वर्मा सर। हाँ? जरा एक मिनट आइए। इस बीच काफी दिन बीत गए तो मैंने सोचा कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए। मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना, आजकल सुना है बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो तुम। क्या बात है। भला इसी में है कि यहाँ चुप रहना, अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की ना तो काट के काट दूंगा। वर्मा सर, बिल्कुल मत डरिए, हमारी आपस की डील हमारे बीच ही रहेगी, एक बच्चा भी नहीं जान सकता। हाँ, अचानक रोक क्यों रहे हैं? ऐसे डिसीजन लेने की वजह? देखो, मैं बोर हो चुका हूं, बस यही वजह है। जो भी काम तुम कर रहे हो, अगर उसका मजा नहीं ले पा रहे तो उसे रोक देना चाहिए। यह काम केरला में है जहां से शुरुआत की थी, और अब मैं वहीं खत्म करूंगा। 15 साल हो गए मुझे केरला गए हुए। कुछ कहना है? इज दैट इंपॉर्टेंट? इमोशनल होने की जरूरत नहीं। देखो अब्बास, पूरे 7 साल से तुम मेरे साथ हो, इस मिशन के बाद हमारा रास्ता अलग। लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, आपके साथ रहूंगा। नो अब्बास, मैंने फैसला कर लिया है और अब मेरे फैसले को कोई भी बदल नहीं सकता। इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। डोंट कैरी एनी इमोशनल बैगेज। प्रिया, पिछली डील में तुम सेफ हो गई थी, तो इसमें तुम्हारा रहना जरूरी नहीं। या आई एम सेफ। जब से भाई जी से मिली हूँ तब से लाइफ फेरी टेल जैसी हो गई है। अगर मुझे सोना होता है तो स्लीपिंग टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। आपकी स्टाइल में बोलूँ तो माय इमोशनल बैगेज, पछतावा। hey, no. तुमने सुना नहीं है क्या? इस दुनिया में कुछ भी किसी का नहीं होता। देखो, आज जो कुछ भी हमारा है वो कल किसी और का हो सकता है, और यही सत्य है। तो इसमें पछताने की बात कहां से आ गई? अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। आपकी जिंदगी चेंज करने वाले इस लास्ट मिशन में भी मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए। I just want to be with you in your last mission. क्या कहा, मुफ्त में? नहीं चाहिए प्यार, शुक्रिया और सम्मान, कुछ भी नहीं। जैसा पहले था सब वैसा ही रहेगा। वी आर इक्वल्स एंड वी गो इक्वल। वी गो इक्वल, बट यू आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स। न्यूज़पेपर का सारा वगरे गरे सधा सरे गरे गा सरे गरे गा पगा पदा पदा सरे गरे सधा सधा पगरे गरे सधा सा। हेलो हेलो, कौन हो? हे हेलो,
गुड मॉर्निंग। कौन है आप? मैं? हाँ आप ही। मैं वो हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं? यस। ओह, तो आप पीछे के रास्ते से आ जाइए, तबेला वही है। तबेला? हाँ, गाय का इलाज करने के लिए कोई पशु चिकित्सक आने वाला है ऐसा बताया गया था मुझे। नहीं नहीं, लगता है आप मुझे पहचान नहीं रही। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं किसी जानवर का इलाज करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी जानवर का डॉक्टर हूँ। अरे मैं तो बस सरस्वती, मैंने पहचाना नहीं आपको। नहीं पहचाना? मैं शिवराम फ्रॉम कोर्ट कंसल्टेंसी, जय जय जयपुर। आदित्यपुरम हवेली की वस्तुओं का मूल्य तय करके कोर्ट को एक रिपोर्ट देने के लिए आपने एक वकील को अपॉइंट किया था। मिस्टर शिवराम, आर यू मिस्टर शिवराम? मैं बहुत सरप्राइज हो रहा हूँ मिस्टर शिवराम, ऐसे मुलाकात होगी सोचा नहीं था। मैं दिल्ली में था, सो आई टुक अ ट्रेन। मैं सुबह यहाँ पहुंचा, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए बरामदे में सो गया। बहुत अच्छा किया। अब शिवराम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ। नाश्ता करने के बाद हम लोग हवेली चलेंगे, वहीं पर आपके रहने का अच्छा इंतजाम किया हुआ है। बेटी वो ऊपर वाला कमरा शिवराम जी के लिए खोल दो और बाथरूम में टॉवल वगैरह रख देना, ठीक है? ठीक है, आप ऊपर जाइए। ओके। हाँ, जाइए। थैंक यू। एनीथिंग एल्स फॉर यू? एक कप ऑफ ब्लैक कॉफी अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। बेटी सुना ना तुमने? हाँ, ठीक है। शिवराम।